सूरज जब पहली किरण की लालिमा के साथ इस पठार पर आंखें खोलता है, तब ये आदिवासी बहुल जिला जी उठता है और यहाँ के निवासी अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। 3/4 जनजातीय आबादी वाले इस जिले के आदिवासी सैकड़ों सालों से समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहे हैं। यहाँ भोले भाले आदिवासियों की खुद की बनाई दुनिया है। अपने आप में मस्त इन लोगों की संस्कृति और जीवन शैली हमेशा से अलग रही है। जीवन और समाज के प्रति इनका नजरिया समाज के अन्य वर्गों से अलग है। निवासी तो ये जंगल के हैं ही, पर अपने भोजन, आवास और अन्य जरूरी आर्थिक गतिविधियों की पूर्ति भी हमेशा इन्हीं जंगलों से करते आए हैं। जंगल और जनजाति एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। जंगलों से प्राप्त कंदमूल, शहद और जानवरों का मांस इनका मुख्य भोजन रहा है। जानवरों से प्राप्त मांस इनके भोजन में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा आदिवासी थोड़ी खेती भी कर लेते हैं, मुख्य रूप से धान और दलहन की, जो अनाज द्वारा प्राप्त प्रोटीन का अच्छा साधन है। लेकिन विकास की अंधी दौड़ ने सारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध और बड़ी बेरहमी से दोहन किया। देश में उपलब्ध खनिज का 2/3 से अधिक हिस्सा इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और खनन जैसे क्रियाकलापों ने जंगलों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अनियोजित विकास और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने कभी हरियाली से भरे पूरे इस क्षेत्र को उजाड़ बना दिया। पेड़ों के कटने से यहां बसने वाले जानवरों के घर छिन गए और उनकी संख्या लगातार कम होती चली गई। जंगली जानवरों की घटती संख्या और विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट द्वारा शिकार पर रोक लगा दी। इसका बुरा असर यहां बसने वाले जनजातीय लोगों पर पड़ा। जानवरों के शिकार से अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले इन लोगों के लिए कठिनाई पैदा हो गई, क्योंकि शिकार इनके लिए मात्र खेल या मनोरंजन ही नहीं, भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति का भी महत्वपूर्ण साधन था। अगले कदम के रूप में सरकार ने जंगलों को कटने और बर्बाद होने से बचाने के लिए इस क्षेत्र के जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। यहां खेती पर पाबंदी लगा दी गई। खेती पर लगी रोक से इस क्षेत्र में दलहन की पैदावार पर असर पड़ा, जिससे यहां के लोगों के भोजन में अनाज के द्वारा मिलने वाले प्रोटीन की आपूर्ति प्रभावित हुई। इस तरह जंगली जानवरों के मांस और दलहन से मिलने वाले प्रोटीन से पूरा जनजातीय समाज वंचित हो गया। प्रोटीन की कमी ने इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला और कभी शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहा यह समाज कुपोषण का शिकार हो गया। समय के साथ सरकार और प्रशासनिक तंत्र ने इस समस्या के कारणों को समझा। जनजातीय क्षेत्रों तथा यहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार लाने के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम करना शुरू किया।
इसमें आईआरडीपी और दूसरी योजनाओं के तहत शुरू की गई मछली, मुर्गी, सुअर, बकरी और गाय पालन आदि योजनाओं का मूल उद्देश्य यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ कुपोषण की समस्या से छुटकारा दिलाना भी रहा है। मूल रूप से शिकार के शौकीन आदिवासियों के लिए मछली पालन जनजातीय संस्कृति और परंपरा के अनुकूल काम है, जिसे जनजातीय लोग आसानी से अपना भी सकते हैं। सरकार ने मछली पालन योजना को जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की आय में वृद्धि के लिए वैकल्पिक साधन के रूप में शुरू किया। साथ ही मछली से गरीबों को सेहतमंद खुराक भी मिल सकती है। तब प्रशासन ने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्र के संपूर्ण आर्थिक विकास के लिए मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का फैसला किया। जनजातियां मछली मारना तो जानती थी, पर मछली पालना नहीं, इसलिए मामला थोड़ा नाजुक था। योजना के पहले चरण में इस कार्यक्रम को बहुत सफलता नहीं मिली। कुछ कमियों के कारण कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी और तब जिला प्रशासन ने इस योजना को सफल बनाने के लिए व्यापक कार्यनीति बनाई। योजना की सारी जिम्मेवारी जिला मत्स्य अधिकारी को सौंपी गई। जिला मत्स्य अधिकारी ने जिले के बड़े अफसरों के साथ विचार विमर्श के बाद रणनीति तैयार की। योजना की शुरुआत जिले में उपलब्ध सभी तालाबों और जलाशयों की पहचान से की गई। उनके हालात का मुआयना किया गया। टूट फूट और खराब स्थिति में मिले तालाबों का समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत मत्स्य विभाग की देखरेख में मरम्मत कराई गई। जिन लोगों के पास खुद के तालाब नहीं थे, उनके लिए सरकारी मदद द्वारा तालाब उपलब्ध कराए गए। सरकारी मदद भी मिला था तालाब बनाने का। हाँ। गरीब और जरूरतमंद लोगों का समूह बनाकर काम शुरू करवाया गया। इसके अगले चरण में जनजातीय लोगों को मछली पालन के हर पहलू से अवगत कराने के लिए व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे और मानदेय की जगह उनको हम लोग जाल देंगे। मछली के अंडों को जीरा के रूप में विकसित करने के लिए हैचरियां बनाई गई। फिलहाल गुमला में 3 हैचरियां हैं, जो गुमला, बानो और घाघरा प्रखंड में स्थित हैं। जिला प्रशासन की ओर से तालाबों की मरम्मत, जीरा और मछलियों की खुराक के लिए अनुदान के रूप में नकद राशि भी दी गई। मैसो योजना के तहत अनुदान के रूप में जनजातीय समूहों को जाल भी दिए गए। जीरा के रूप में उन्हीं किस्मों को उपलब्ध कराया गया जिनकी मांग बाजार में अधिक है। इनमें रोहू, कतला, सिल्वर कॉर्प, कॉमन कॉर्प और ग्रास कॉर्प आदि प्रमुख किस्में हैं। जिला प्रशासन के इन प्रयासों से मछली पालन को एक व्यवसाय का रूप मिला, जिसने यहां आदिवासियों को आय का एक नया जरिया दिया। मछली को इनके भोजन का प्रमुख अंग बनाने की कोशिश को भी बल मिला। आज तो हम अपना खाने के लिए ही मार रहे हैं। अपने खाने के लिए भी मार लेते हैं? जी हाँ, अपने खाने के लिए भी मार लेते हैं। और कोई अगर डिमांड करता है तो? हाँ, उसके लिए भी देते हैं। बाजार जैसा जरूरी हमको पड़ता है उसके आधार से बेचते हैं। मछली खाने के लिए लोग अब यहाँ लगने वाले साप्ताहिक हाट की प्रतीक्षा नहीं करते। मछली ने यहाँ के जनजातीय लोगों के भोजन से प्रोटीन की कमी को भी काफी हद तक दूर किया है। मुर्गी पालन की प्रथा आदिवासियों में बहुत पुरानी है। यहाँ हर घर में मुर्गी की मौजूदगी देखी जा सकती है, पर यहाँ के लोगों ने कभी इसे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया। और तब प्रशासन ने मुर्गियों की संख्या में बढ़ोतरी और इसके जरिए यहाँ के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास शुरू किया। इसके लिए विकास योजनाओं के तहत अनुदान और कर्ज आदि की व्यवस्था की गई, ताकि जनजातीय लोग व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन कर सकें। मेरे पास बॉयलर था, फार्म वाला, बिलेती। योजना के पहले चरण में यहाँ लोगों को फार्म के चूजे दिए गए, लेकिन इस प्रजाति की मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए समय समय पर दवा और टीका आदि लगाने की समस्या और इसके साथ इनके दाने की व्यवस्था जनजातीय लोगों के बूते के बाहर की बात थी।
मुर्गियों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई, लेकिन इनको पालने के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी आदि के अभाव के कारण यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा। और तब जिला प्रशासन ने यहाँ के लोगों के बीच देशी किस्मों को बढ़ावा देना शुरू किया। देशी किस्मों के रखरखाव में खर्च और बीमारी की संभावना बहुत कम होती है। देसी में तो उतना कोई खास दवा का जरूरत नहीं होता है, ऐसे जंगली से जंगली का खास है। देसी शाम सवेरे दाना खिलाते हैं देसी को, दिन में चरने के लिए खोल देते हैं, शाम को बंद कर देते हैं। घर में उपलब्ध अनाज जैसे मकई आदि खिलाकर इन्हें पाला जा सकता है। इनकी देखरेख के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। परंपरागत रूप से मुर्गियों का जनजातीय लोगों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण लोग इच्छा अनुसार इनका मांस खाते हैं। इनके मांस के उपयोग के लिए विशेष अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते। मुर्गी तो कभी होता है तो अपना परिवार आता है तो मार के खा जाते हैं, और नहीं तो जरूरत पड़ता है तो बेच देते हैं। आहार के अलावा आदिवासी इसे नकद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर आसानी से बेचा जा सकता है। इसी प्रकार एक और पुरानी प्रथा सुअर पालन की है। लोग यहाँ गांवों और घरों में इसे पालते हैं। सुअर पालन जनजातीय स्वभाव के अनुकूल काम है, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम हो रही थी। आदिवासी इसको पालने के प्रति उदासीन हो रहे थे, और तब सुअर को व्यावसायिक स्तर पर पालने और इस काम को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए प्रशासन की ओर से IRDP के अंतर्गत उन्नत किस्म के सुअर के बच्चे जनजातीय लोगों के बीच बांटे गए और अनुदान आदि की भी व्यवस्था की गई। पता देने के बाद इसको फिर लुटा देना है 3 ठो, उसके बाद अपना हो जाएगा और अपना इससे बढ़ोतरी करना है, बढ़ाना है और अपना बिजनेस खेलना है। लेकिन इस असफलता से प्रशासन का मनोबल टूटा नहीं और उन्होंने इस योजना को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। जिला पशुपालन अधिकारी की देखरेख में इस परियोजना के लिए सहायता दी गई, जिससे देशी किस्मों को लाभप्रद बनाया जा सके। यहाँ लोगों के बीच अब देशी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है और इसको पालना आसान है। इतना ही नहीं, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है। स्वभाव और परंपरागत रूप से शिकारी रहे आदिवासियों के लिए शिकार मनोरंजन के साथ साथ भोजन का भी साधन रहा है। बड़े जानवरों जैसे सुअर आदि का शिकार ये समूहों में किया करते थे। ये परंपरा अभी भी कायम है। आज भी ये लोग विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से इनके मांस का उपयोग करते हैं। भोजन के रूप में इनका मांस प्रोटीन और पोषण की भरपाई करता है। पर्व त्योहार में सरहुल करम होलक तो बोलेला नवा नया गुतिया मन के सब बोलेला तसे मारिला खाइले घर में। सामूहिकता की इसी परंपरा की एक और कड़ी बकरी है, जिसके मांस का उपयोग यहाँ लोग मिलजुल कर करते हैं। जब जरूरत पड़ता है कि 6-7 जवान पड़ गया साथ में और पैसा जमा करके अपना ले भी लेता है और अपना खाता भी है और मन इच्छा किया तो बेचता भी है। बकरियां हमेशा से आदिवासियों की सहचरी रही हैं। जनजातीय क्षेत्र के लगभग हर घर में इनकी मौजूदगी देखी जा सकती है। चरागाह की उपलब्धता के कारण इनको पालना और रखना बेहद आसान और कम खर्चीला है। इसके अलावा बकरियां इन लोगों के लिए नकद आमदनी का बेहद आसान जरिया रही हैं। इसलिए प्रशासन ने बकरियों की संख्या में वृद्धि के लिए इसके पालन पर ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए आदिवासियों को आर्थिक अनुदान और कर्ज भी दिए जा रहे हैं। बकरी के मांस का उपयोग यहाँ के लोग अपने मेहमानों की खातिरदारी के लिए त्योहारों और विशेष अवसरों पर करते हैं।
समय समय पर खुद भी इसका मांस खाते हैं। जब इच्छा करता है तब खा लेते हैं सर। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या से बचने के लिए दूध अनिवार्य है, लेकिन अपनी सामाजिक मान्यताओं और आग्रहों के कारण आदिवासी गायों का दूध नहीं दूहते थे। दूध देती है, बछड़े के लिए छोड़ देते हैं। बछड़े के चलते गाय पालते हैं। यहाँ गायें दूध भी कम देती हैं, इसीलिए ये लोग उनका दूध नहीं दूहते। और तब प्रशासन ने IRDP के अंतर्गत आदिवासियों के बीच उन्नत नस्ल की गायें दी। उनका सोचना ये था कि ज्यादा दूध होगा तो ये लोग दूध निकालेंगे। इन प्रयासों से धीरे धीरे इनकी मान्यताओं में बदलाव आ जाएगा, लेकिन उन्नत नस्ल की इन गायों की देखभाल और दूध देने की क्षमता के अनुसार इनके चारे आदि की व्यवस्था करने में यहाँ लोग सक्षम नहीं थे। इसलिए जानकारी और संसाधनों के अभाव में ये प्रयास सफल नहीं हो सका। लेकिन उनके बीच प्रचलित दूध न निकालने की परंपरा में थोड़ा बदलाव जरूर आया है। कुछ लोग अब दूध निकालने लगे हैं। इस असफलता से सबक लेकर जिला प्रशासन ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए देशी नस्ल को बढ़ावा देना शुरू किया। हम लोग चाह रहे हैं कि ये उन्नत नस्ल के लिए क्रॉस ब्रीडिंग किया जाए, जिससे उन्नत नस्ल के जानवर आए और ज्यादा लाभदायक हो। देशी को उन्नत नस्ल से क्रॉस कराकर देशी नस्ल में सुधार का प्रयास भी किया जा रहा है। इस नस्ल की गायों में बीमारियों का खतरा कम होता है और ये स्थानीय वातावरण से तालमेल बैठाकर अधिक दूध भी देती हैं। इनको पालना आसान है, इसलिए अब सारा जोर उन्नत नस्ल की देशी किस्मों पर ही है। सरकार का ये प्रयास इस रूप में सफल हुआ है कि अब यहाँ के लोग उन्नत नस्ल की देशी किस्मों को पाल रहे हैं, और चाहे धीमे ही सही, इनके दूध के उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी हो रही है। अभी कुछ गांव में देखा गया है कि ऐसे, मैं अभी 5-6 घर अभी हाल ही में देखा, यह बगल में सेरका में और बनारी के पास क्या गांव है कौन लाइन टोली में, तो यहाँ पे 2-3 घर पाले हुए थे जानवर, और काफ़ी 10-12 केजी तक बेच लेते हैं वाला दूध, दूध निकाल कर बेच देते हैं देसी गाय का ही। इन योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य योजनाओं के तहत भी जनजातीय लोगों के कुपोषण की समस्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए समन्वित बाल विकास कार्यक्रम अर्थात ICDS के तहत प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दोपहर में पोषण से भरपूर पका पकाया भोजन दिया जा रहा है। हम जैसे बच्चों के बीच में जो मैल न्यूट्रिशन की जो शिकायत आती है, इसको दूर करने के लिए भारत सरकार की एक योजना चल रही है, जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खास करके हर एक ब्लॉक और हर एक गांव में चल रही है। इसको ICDS या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। हर एक गाँव में एक आंगनबाड़ी सेंटर का बनाया गया है, उस आंगनबाड़ी सेंटर में उनको खाने के लिए न्यूट्रिशियस जो सामग्रियां होती हैं भारत सरकार जो उपलब्ध कराती हैं, उसको पका पकाया भोजन वहां पे दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों के बीच में जो मैल न्यूट्रिशन की जो शिकायत होती है या इस तरह का जो है, उसको दूर किया जा रहा है। दूसरी ओर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो प्रेगनेंट मदर्स हैं, तो उस तरीके की मदर्स को भी वहाँ पर न्यूट्रिशन की भरपाई करने के लिए वहाँ पर फीड दिया जा रहा है, और इससे काफ़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के बीच में और जो गर्भवती माएँ हैं उनके बीच में मैल न्यूट्रिशन की शिकायत को दूर करने की कार्रवाई की जा रही है। गर्भवती माताओं को प्रोटीन और आयरन की खुराक दवाओं के रूप में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि जच्चा बच्चा दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो और उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके। Thank you.
सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई मछली, मुर्गी, सुअर, बकरी और गाय पालन की योजनाओं को शुरुआती दौर में धक्का लगा, लेकिन फिर देशी नस्ल का इन योजनाओं में समावेश कर इनको पुनः पटरी पर लाया गया। इन योजनाओं ने इस क्षेत्र के लोगों को खेती और मजदूरी के अलावा आमदनी का नया जरिया प्रदान किया है। इसके साथ ही इन योजनाओं से प्राप्त मांस और दूध ने इन लोगों के भोजन में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति को बढ़ाया है। साथ ही कुपोषण की समस्या का भी काफी हद तक समाधान हुआ है। यहाँ पे जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे पहले लोग दूध नहीं पिया करते थे, और पहले जो जंगली जानवर होते थे उनको जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, वैसे जैसे अब हम लोग पशुधन का पालन कर रहे हैं, पशुपालन की ओर दिशा में जब हम अग्रेतर मूव कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ के लोग मछली खाना भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ अंडा काफ़ी प्रचलित हो चला है, दूध का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ गया है और दूध की खपत भी काफ़ी बढ़ गई है, और उसी तरीके से सुअर का उत्पादन और खपत और गोट का भी उत्पादन और खपत पहले से काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ के लोगों का जो न्यूट्रिशमेंट के लिए जो प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता होती है उसकी भी भरपाई होती है, साथ ही साथ इनका जो आय सृजन का जो है या फिर आय बढ़ाने का एक और जरिया हो जाता है जो कि एग्रीकल्चर इनकम को सप्लीमेंट करता है। इनके जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ है। इन योजनाओं से यहाँ लोगों को और फायदा पहुँचे, इनके आत्मविश्वास और जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए यहाँ के आदिवासियों, जिला प्रशासन और सरकार का मिला जुला प्रयास जारी है, सतत, निरंतर और अविराम।